नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। जमशेदपुर की भालूबासा टीचर्स कॉलोनी की रहने वाली हिमानी दास 12वीं के साइंस में स्टेट टॉपर रही है। हिमानी दास ने कुल 99% अंक लाकर झारखंड की टॉपर छात्रा बनी है। हिमानी दास जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित लॉयला स्कूल की छात्रा है। हिमानी आगे इंजीनियर बनना चाहती है। स्टेट टॉपर होने से परिवार में खुशी की लहर देखी जा रही है। हिमानी के रिश्तेदार लगातार फोन कर रहे हैं और उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। हिमानी दो बहनें हैं, एक बहन पुणे में पढ़ाई कर रही है और यहाँ घर पर माँ पिताजी के साथ हिमानी रहती है। जैसे ही पता चला कि उनकी बेटी स्टेट टॉपर बनी है, माँ पिता के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी थी। उन्होंने अपनी बेटी का मुंह मीठा कराया और आगे और अच्छा करने का आशीर्वाद दिया। हिमानी दास के पिता ने बताया कि बेटी शुरू से ही अपने क्लास में टॉप किया करती थी, मगर उन्हें यह नहीं मालूम था कि एक दिन उनकी बेटी पूरे झारखंड में टॉप करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि हिमानी पढ़ाई के सिवा और किसी भी तरफ ध्यान नहीं देती थी, यहाँ तक कि परिजनों के किसी समारोह में जाने से इनकार कर वह अपने पढ़ाई में दिलचस्पी दिखाती थी। वहीं हिमानी की माँ ने कहा कि बेटी की बचपन से ही पढ़ाई में काफी ज्यादा रुचि है, इन पर आज तक किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं किया। वह अपने दम पर पढ़ाई कर आज झारखंड में अपना नाम रोशन किया है और साथ ही साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है। क्या कहेंगे बेटी के बारे में? हमको तो बहुत ही खुशी लग रहा है क्योंकि अब बहुत मेहनत करती हूँ, मतलब छोटा से बचपन से ना बहुत तेज है पढ़ाई में, और ऐसे में कि खाली तेज है, हमेशा मेहनत करती है। आगे तो हमसे तो कैसे अनुभव रहा आपका आज तक का पढ़ाई का, पूरा बताइए। अनुभव तो अच्छा ही था। केजी से 12th तक बस लोयला में ही पढ़े, वहाँ के टीचर्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा, और 12th में 99 एक्सपेक्ट नहीं किए थे पर मेहनत की तो आ गया, बहुत खुशी हो रहा है। झारखंड में भी साइंस स्ट्रीम में फर्स्ट रैंक ला के भी अच्छा लग रहा है। मैंने कैसा अनुभव आपको इतना दिन का आज तक का? तो बहुत खुशी लग रहा है और जो मेहनत किए हैं सफल हुआ है, और लॉयला में एलकेजी से लेके 12th तक ये कभी सेकंड नहीं हुआ। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।